यूपी एलटी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स एंड टीजी डी पीएचडी मैथ्स के लिए रियल एनालिसिस में टॉपिक चल रहा था कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस वीडियो नंबर 33। टॉपिक वही खत्म हो गया, इसमें हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिस टाइप से क्वेश्चन आया करते हैं, तो ये कमेंट भी आता रहता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अभी तक तो केवल स्टेटमेंट पे हुआ है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक इनफाइनाइट सीरीज या समेशन 1 अपॉन एन की पावर पी इज कन्वर्जेंट, कब कन्वर्जेंट होगी? ऑप्शन है पी इक्वल टू 1, पी लेस देन 1, पी ग्रेटर देन 1 एंड डी है पी लेस देन इक्वल टू 1। तो सी ऑप्शन करेक्ट होता है, पी इज़ ग्रेटर देन 1। जब पी की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब सीरीज जो है पी एन की पावर 1, एन की पावर 2, एन की पावर 1, एन की पावर 2, एन की पावर 3 इस तरह से, यानी कन्वर्ज सीरीज तभी होगी, यानी कि उसका जो एक्स एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 एक्स एन होगा, तभी कन्वर्जेंट सीरीज हो पाती है। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एन इज, या इसकी जो क्वांटिटीज़ है क्या आती है कन्वर्ज के डाइवर्स, तो ऑप्शन आता है इसका सोल्व होने के बाद डाइवर्जेंट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है समीकरण 1 बाई एन इज क्या है, डाइवर्स कन्वर्ज की ऑक्सीलेट, तो ऑप्शन आएगा इसका डाइवर्ज, सोल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, करा दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 1 + 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4 इज ए कन्वर्जेंट, इसका आंसर आता है कन्वर्जेंट। नेक्स्ट ऐसी समीशन un² प्लस एंड समीशन bn² बोथ द कन्वर्जेंट सीरीज, देन समीशन un इंटू bn इज क्या होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑक्सीलेट की नोन, तो आंसर आता है इसका कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये भी एक टाइप की कन्वर्जेंट सीरीज होगी। अब इसके आगे कुछ थ्योरम टाइप्स थी, मतलब थ्योरम नहीं कह सकते, उनको फॉर्मूला समझ लीजिएगा, फॉर्मूला बेसिस उनको, जैसे फॉर्मूला तैयार करते हैं या याद करते हैं, इस तरह से याद कर लें, क्योंकि उन पर डिपेंड भी इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि समीशन सॉल्व करने की ज़रूरत हमको नहीं है, केवल पेपर में ये भी कमेंट आ रहा है कि किस टाइप का होगा, सोल्व तो नहीं करना होगा, यहाँ पर सोल्व करने के लिए नहीं आएगा, गोला बनाने वाला आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे 120 सब्जेक्ट के, यानी मैथमेटिक्स के, और 30 क्वेश्चन जनरल स्टडी के, उनमें जो है ओएमआर शीट पे गोला बनाना होगा, ठीक है, बुकलेट इसको अलग मिलेगा। समीशन यूएन इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव टर्म, देन नंबर ए समीशन एन माइनस वन अपॉन एन यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर यू एन कन्वर्जेंट है पॉजिटिव टर्म की सीरीज में, तो समीशन एन माइनस वन अपॉन एन इंटू यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ये कन्वर्जेंट है इतना देगा, देन इतना इस कन्वर्जेंट के, डाइवर्जेंट की क्या, कुछ ना कुछ पूछेगा, तो करेक्ट आंसर होगा कन्वर्जेंट, इसको फॉर्मूला की तरह याद कर लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है इसी पे, ये कन्वर्जेंट है, देन समीशन अंडर रूट यू एन अपॉन एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, एंड नेक्स्ट है समीशन यू एन अपॉन 1 माइनस का यू एन एंड वेयर यू एन नॉट इक्वल टू 1 इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें समीशन यू एन इज डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट के लिए तीन टर्म बने थे, ऐसे ही क्वेश्चन आगे बनता है, समीशन यू एन इज डाइवर्जेंट, इफ समीशन यू एन इज डाइवर्जेंट, तो पहला इसमें बनेगा समीशन यू एन अपॉन 1 प्लस का एन यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। आगे है समीशन यू एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर यू एन वेयर यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। एंड आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है समीशन यू एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, देन समीशन यू एन अपॉन अंडर रूट एन लॉग एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला टाइप इसको भी तैयार कर लेंगे। बाकी तो जो क्वेश्चन थे, जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, वो हमारे हो चुके हैं, और ये थोड़े से डायरेक्ट्रिक बेसिस दिया है, डायरेक्ट इनको याद किया जा सकता है, और इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं,
ठीक है, बाकी तो इसमें सब कुछ ज़्यादातर हो ही चुका है।